हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अवध ग्लो में। थंबनेल और टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज हम लोग किस मुद्दे पर या किस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। फिर भी आपको हम बताना चाहेंगे कि आज हमारा जो स्पेशल क्लास होने वाला है वो होने वाला है कि टैली प्राइम के अंदर कैसे हम लोग लेजर और आइटम को बनाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है टैली प्राइम के अंदर आइटम और लेजर को बनाना। तो वीडियो में आप लोग लास्ट में रहिए, वीडियो को जरा भी स्किप मत करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए उसमें तो आप कमेंट के द्वारा जानकारी ले भी सकते हैं, उसे हम अगले वीडियो में पूरा बताने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक में रहिए, वीडियो को जरा भी स्किप मत करिए। चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। आज हम सीखने वाले हैं टैली प्राइम के अंदर आइटम और लेजर को क्रिएट करना। तो इसके लिए सबसे पहले टैली प्राइम को ओपन करते हैं, जिसमें हम अपनी कंपनी को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे, जिससे हमारी कंपनी ओपन हो जाएगी। कंपनी ओपन होने के बाद नेम ऑफ कंपनी के नीचे कंपनी का नेम शो होगा और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा नो वाउचर्स एंटर्ड, मतलब अभी तक इस कंपनी में कोई भी वाउचर एंटर नहीं किया गया है। वाउचर एंटर करने के लिए या वाउचर एंटर करने से पहले हमारी कंपनी में आइटम और लेजर बने होने चाहिए। तो आज हम सीखने वाले हैं कंपनी के अंदर आइटम और लेजर को क्रिएट करना। तो इसके लिए गेटवे ऑफ टैली के मास्टर मेनू में क्रिएट ऑप्शन पर आकर हम लोग एंटर करते हैं। क्रिएट ऑप्शन पर एंटर करने से यहाँ पे आपके सामने एक इंटरफेस होगा, जिसमें अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर, स्टेटरी डिटेल्स नाम से कुछ मेन मेन्यू शो होंगे। इसमें इन्वेंट्री मास्टर का प्रयोग आइटम क्रिएट करने के लिए किया जाता है। इन्वेंट्री मास्टर में स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट और लोकेशन ये आपके मेन ऑप्शन होते हैं। स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट एंड लोकेशन। इसमें लोकेशन बनाना जरूरी नहीं होता है और लोकेशन के अंदर पहले से ही मेन लोकेशन नाम से एक लोकेशन बना होता है। लोकेशन का प्रयोग जो होता है वो गोडाउन के तौर पे किया जाता है। आइटम जो होता है, जो आइटम कंपनी में रखा जाएगा उसे कहाँ रखा जाएगा, इसके लिए लोकेशन में पहले से ही मेन लोकेशन के नाम से एक गोडाउन या लोकेशन बना होता है। तो अगर हमें आइटम बनाना है तो आइटम बनाने के लिए स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट और लोकेशन को बनाना पड़ेगा। जबकि मैंने बताया आपको लोकेशन पहले से ही बना होता है, अगर आप चाहें तो एक और लोकेशन दे सकते हैं, अदरवाइज लोकेशन बनाने की जरूरत नहीं है। तो हम समझते हैं कि स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट ये सब होता क्या है। तो एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। अगर हमारे पास एक आइटम है, देखिए मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना रखा है, जिसमें स्टॉक आइटम जो है ये हमारा एलकॉस का एक पेन है, जिसको हम लोग बोलेंगे एलकॉस बेटर। ये हमारा बॉल पेन है और ये ब्लू कलर का है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हम लोग पेन यूज़ करते हैं अलग अलग कंपनियों के होते हैं। तो अगर हम एक पेन का एग्जाम्पल लेते हैं, जो पेन हमारा है एलकॉस बेटर, ये हमारा एलकॉस बेटर बॉल पेन है और ये ब्लू कलर का है। तो हमारा स्टॉक आइटम जो बनेगा वो बनेगा एलकॉस बेटर बॉल पेन और ब्रैकेट में लिखा हमने ब्लू। अगर ब्लू है तो ब्लू, ब्लैक है तो ब्लैक, रेड है तो रेड, इस तरह से ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा स्टॉक आइटम। स्टॉक ग्रुप क्या होता है? स्टॉक आइटम जिस कंपनी के नेम से होता है, कंपनी के नेम से हो सकता है, अदर नेम से भी हो सकता है, लेकिन अभी स्टार्टिंग में समझने के लिए हम ये समझते हैं कि जो हमारा आइटम है ये एलकॉस कंपनी का है, इसलिए हमने स्टॉक ग्रुप जो बना रखा है वो एलकॉस बना रखा है। स्टॉक ग्रुप बनाना कोई कंपलसरी नहीं होता है, कोई जरूरी नहीं होता है, लेकिन अगर हमारे पास कई सारे पेन हैं जिसमें से एलकॉस का है, सेलो का है या और किसी ब्रांड का है, तो उसे ब्रांड वाइज अलग करने के लिए हमें स्टॉक ग्रुप की आवश्यकता होती है। तो अभी हम एक आइटम बना रहे हैं जो है हमारा एलकॉस बेटर बॉल पेन ब्लू। तो इसके लिए जो हमारा स्टॉक ग्रुप बनेगा वो बनेगा एलकॉस। स्टॉक कैटेगरी जो बनेगा
वो बनेगा बॉल पेन, क्योंकि जो हमारा पेन है एक बॉल पेन है। अगर जेल पेन होता तो यहाँ पे हम लोग जेल पेन बनाते हैं। यूनिट जो हमारा बनेगा वो हमारा बॉक्स बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग पेन को खरीदेंगे और बेचेंगे वो बॉक्स में खरीदेंगे, एक बॉक्स खरीदेंगे एक बॉक्स बेचेंगे। हो सकता है कि जो पेन है इसे आप स्ट्रिप में खरीदते हो एक पत्ता दो पत्ता, या पीस में खरीदते हो एक पीस दो पीस। तो अगर आप पीस में खरीदते हैं तो अपना यूनिट आप यहाँ पीस बनाएंगे, अगर आप स्ट्रिप पत्ते में खरीदते हैं तो स्ट्रिप बनाएंगे। हम यहाँ पे बॉक्स में खरीद रहे हैं तो इसलिए हमारा यूनिट जो है ये बॉक्स है। और मैंने बताया आपको कि लोकेशन में मेन लोकेशन एक बना होता है, तो हमें मेन लोकेशन बनाने की जरूरत नहीं होती है, मेन लोकेशन ऑलरेडी बना होता है। तो आइटम को समझने के लिए सबसे पहले हमें आइटम पता होना चाहिए कि हम कौन सा आइटम खरीदते हैं, कौन सा आइटम बेच रहे हैं। तो जो हमारा आइटम है ये है एलकॉस बेटर बॉल पेन ब्लू। आइटम को देख करके ही हम लोग ग्रुप और उसकी कैटेगरी को बनाते हैं। हमारा जो आइटम है वो बॉक्स में खरीदा बेचा जाएगा, इसलिए इसका यूनिट है बॉक्स। अगर हम किसी आइटम को मीटर में खरीदते हैं, किलोग्राम में खरीदते हैं, तो उसका यूनिट जो होगा वो मीटर या किलोग्राम बनेगा। जबकि हमारा आइटम जो है वो बॉक्स में खरीदते बेचते हैं, इसलिए यहाँ पर इसका जो यूनिट है वो बॉक्स है। तो आते हैं अपने टैली प्राइम पर फिर से, और यहाँ पर हम लोग बनाते हैं आइटम को। तो आइटम बनाने के लिए सबसे पहले हमें स्टॉक ग्रुप बनाना होगा। स्टॉक ग्रुप में मैं बताया मैंने आपको कि हमारा जो आइटम है वो एलकॉस का है, इसलिए हम यहाँ पे एलकॉस आइटम बना रहे हैं। तो हमारा जो आइटम का नेम हो गया वो एलकॉस हो गया। उसके बाद अंडर प्राइमरी रखेंगे। अंडर क्या क्या हो सकता है या अंडर क्या रखा जाता है इसके बारे में हम आगे डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आपको अंडर जो है वो प्राइमरी रखना है। यहाँ पर शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, इसका मतलब होता है कि जो हमारे इस ग्रुप के जितने भी आइटम होंगे क्या उन सभी को जोड़कर एक साथ दिखाया जाए। तो इसको अगर हम यस कर देते हैं तो एलकॉस ग्रुप के जितने भी आइटम होंगे उन सभी को एक साथ जोड़ करके दिखाया जाएगा। तो इसको हम यस कर लेते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, एंटर द्वारा हम एक्सेप्ट करते हैं। फिर बैक आते हैं, एस्केप के द्वारा हम लोग बैक आएंगे और यहाँ बनाएंगे स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक कैटेगरी में आएंगे और कैटेगरी हमारा बॉल पेन है, तो हम यहाँ पे बनाएंगे बॉल पेन। इसको देकर के अंडर यहाँ भी रखेंगे प्राइमरी और एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद पीछे आएंगे हम लोग और बनाएंगे यूनिट। यूनिट बनाने के बाद ही स्टॉक आइटम को बनाया जाता है, तो पहले हम बनाएंगे यूनिट और यूनिट में हम लिखेंगे बॉक्स। यहाँ पे यूनिट हमारा बॉक्स है, फॉर्मल नेम में भी लिखेंगे हम लोग बॉक्स। और देखिए यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं हो रहा है क्योंकि जो हमारा सिंबल होता है और जो हमारा फॉर्मल नेम होता है थोड़ा सा अलग होना चाहिए। तो ऊपर मैंने बॉक्स लिखा तो मैंने यहाँ पे कहते हैं बॉक्सेस कर देते हैं। नीचे आते हैं नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, इसको हम लोग जीरो करते हैं। जीरो इसलिए अगर इसको हम लोग वन करते हैं तो उसका मतलब होता है कि जो हम लोग खरीदेंगे यूनिट उसमें हम लोग दशमलव में भी दे सकते हैं, यानी 1.5 बॉक्स 2.5 बॉक्स। यानी अगर हम आइटम को परचेज और सेल कर रहे हैं और डेढ़ बॉक्स ढाई बॉक्स इस तरह से खरीदते बेचते हैं तो यहाँ पे हमें वन देना पड़ेगा, यानी कि 1.5 बॉक्स। इसका मतलब हो गया डेढ़ बॉक्स हमने खरीदा या हमने डेढ़ बॉक्स बेचा, लेकिन जो हमारा आइटम है ये हम लोग वन बॉक्स टू बॉक्स थ्री बॉक्स इस तरह से परचेज करेंगे और इस तरह से सेल करेंगे, इसलिए नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में यहाँ पे हम लोग रखते हैं जीरो रखते हैं। फिर इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। इसके बाद फिर से बैक आते हैं और हम लोग बनाएंगे स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम में पूरा नाम दिया जाएगा, जैसे एलकॉस बेटर बॉल पेन और ब्रैकेट में ब्लू, ये पूरा नाम दिया जाएगा आइटम में, क्योंकि यही नाम जब आप आइटम को परचेज और सेल करेंगे तो शो होगा। बाकी ग्रुप कैटेगरी यहाँ पे वहाँ पर शो नहीं होगा। जो ये आइटम का नाम दिया जाता है यही जब हम लोग परचेज और सेल करते हैं तो यही नाम शो होता है, इसलिए इसको पूरा डिटेल से देना चाहिए जिससे परचेज या सेल करते समय कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे हो गया एलकॉस बेटर बॉल पेन और ब्रैकेट में ब्लू। फिर नीचे आएंगे अंडर पूछेगा, अंडर तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिस्ट ऑफ ग्रुप, यहाँ पे हम बताएंगे ये एलकॉस ग्रुप का है। फिर यहाँ पे पूछा जाएगा यूनिट, यूनिट बताएंगे कि हमारा बॉक्स है। फिर यहाँ पे आ रहा है सेट स्टैंडर्ड रेट, अगर हमें अपने आइटम का रेट सेट करना है कि हम उसको कितने में परचेज करते हैं
और कितने में सेल करते हैं, तो इसको वाई करके एंटर करेंगे। वाई करके एंटर करने के बाद यहाँ पे रेट जो उसका परचेज का रेट है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड कास्ट। कास्ट मतलब होता है लागत, जो हमारा पेन का लागत है। तो अगर मान लीजिए हम 1500 में एक बॉक्स खरीदते हैं, तो उसको यहाँ लिखा जाएगा एंटर 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 करते हुए इस तरह पाएंगे, और यहाँ पे हम वो रेट देंगे जिस रेट में उस बॉक्स को सेल किया जा रहा है। तो अगर हमारा खरीद मूल्य 1500 रुपये है और बिक्री मूल्य 1750 रुपये है, तो 1750 रुपये जो है वो स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस में दिया जाएगा और 1500 रुपये स्टैंडर्ड कास्ट में। यानी स्टैंडर्ड कास्ट वो रेट होता है जिसमें आइटम को परचेज किया जाता है, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस वो रेट होता है जिसमें आइटम को सेल किया जाता है। इसके बाद एंटर 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 करते हुए आइटम को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आइटम बन गया। आइटम बनने के बाद अब हम सीखेंगे लेजर बनाना। तो पहले स्केप की करते हुए हम लोग पीछे आ जाएंगे। पीछे आने के बाद फिर से हमें आना है क्रिएट में, और क्रिएट में हम आएंगे अकाउंटिंग मास्टर में लेजर। यहाँ पर एंटर करेंगे और हमारा लेजर जो है ये बनाने के लिए जो बॉक्स होता है ये ओपन हो जाता है। ऊपर आप देख पा रहे होंगे लिख के आ रहा है लेजर क्रिएशन, यानी यहीं पर आपका लेजर बनाया जाता है। सबसे पहले लिखा हुआ नेम, तो यहाँ पर हम लोग नेम देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे होता है अंडर, लेजर का अंडर देते हैं। फिर यहाँ पे लिखा ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस देते हैं। किसी भी लेजर को बनाने के लिए तीन चीजों का देना आवश्यक होता है, इसमें नेम, अंडर और ओपनिंग बैलेंस होता है। तो फिर से हम लोग आते हैं स्क्रीन पर जहां पर हमने पहले से ही बना के रखा हुआ है। यहां पर देखिए मैंने बना रखा है कुछ लेजर, जैसे परचेज का परचेज अकाउंट ओपनिंग बैलेंस जीरो, अमित सप्लायर है सन्डरी क्रेडिटर होता है इसका भी ओपनिंग बैलेंस जीरो, सेल जो होता है सेल अकाउंट में आता है इसका ओपनिंग बैलेंस जीरो, अमन कस्टमर है सन्डरी डेप्टर में आता है इसका ओपनिंग बैलेंस जीरो। ये जो अंडर है इसे हमें याद करना पड़ेगा कि परचेज परचेज अकाउंट में आता है, सेल सेल अकाउंट में आता है, जितने भी सप्लायर होते हैं वो सब सन्डरी क्रेडिटर्स में आते हैं, और जितने भी कस्टमर होते हैं वो सन्डरी डेप्टर्स में आते हैं। जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस जीरो 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 है, इसका मतलब ये है कि पहले से हमारा कोई परचेज नहीं है, सप्लायर से हमारा पहले से कोई बकाया नहीं है, हमारा पहले से कोई सेल नहीं है, कस्टमर से हमें कुछ कोई भी सेल हमने पहले नहीं कर रखा है। तो ओपनिंग बैलेंस जीरो दिया गया है, यानी इन सभी लेजर से हमारा पहले से कोई भी लेन देन नहीं हुआ है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस जीरो है। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि नेम, अंडर और ओपनिंग बैलेंस दे करके लेजर को बनाया जाता है। चलते हैं टैली प्राइम पर और वहाँ पर हम लोग लेजर को क्रिएट करते हैं। तो जैसे अगर हमें परचेज का बनाना है लेजर, तो हम लिखेंगे परचेज, परचेज एंटर करेंगे, अंडर में आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे परचेज अकाउंट। आपको पी प्रेस करना है, यहाँ पी हाईलाइट हो जाएगा, एरो से नीचे आएंगे, परचेज अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, एंटर एंटर एंटर, यहाँ पे लिखेंगे जीरो। अगर जीरो लिखते हैं फिर भी और नहीं लिखते हैं फिर भी ये जीरो ही कंसीडर किया जाएगा। तो नेम, अंडर और ओपनिंग बैलेंस, इसके बीच में जो भी आता है इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन समझने के लिए अभी आपको ये समझना है कि किसी भी लेजर को बनाने के लिए कम से कम तीन चीज़ों का देना आवश्यक होता है। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अगर हम बनाते हैं सेल, तो सेल हो गया, सेल अकाउंट में आता है, सेल्स अकाउंट में आता है, एंटर 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 एक्सेप्ट। सप्लायर में आते हैं, अगर हमारा सप्लायर है अमित सप्लायर, अमित सप्लायर, तो ये आता है सन्डरी क्रिएटर्स में, यहाँ सेलेक्ट करते हैं सन्डरी क्रिएटर्स, एंटर। यहाँ पे जो भी ऑप्शन आ रहे हैं अगर वो आपको समझ में आता है, जैसे यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है एड्रेस, सप्लायर का एड्रेस, तो उसको लिख देंगे हम लोग। यहाँ पे समझ में आ रहा है उसका स्टेट, सप्लायर का स्टेट, उसको लिख देंगे। उसका कंट्री, उसको लिख देंगे। पिन कोड, उसको लिख देंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अगले वीडियो में या इसके बाद हम लोग लेजर कैसे बनाते हैं इसके ऊपर एक डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको नेम, अंडर और ओपनिंग बैलेंस ही देना जरूरी है। तो हमारा सप्लायर बन गया और हम बनाते हैं एक कस्टमर, कस्टमर बनाते हैं। कस्टमर जो होता है वो होता है सन्डरी डेप्टर। इस तरह से हमारा चार लेजर बन के तैयार हो गया। इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं।
पीछे आते हैं एस्केप के द्वारा और यहां से अब हम बाउचर एंट्री करेंगे। ठीक है, तो किसी भी कंपनी में बाउचर एंट्री, बाउचर एंट्री मतलब जब आप परचेज करते हैं, सेल करते हैं, किसी को पेमेंट करते हैं या किसी से आप रिसिप्ट करते हैं, तो इन सभी के एंट्री करने से पहले हमारा आइटम और लेजर बना होना चाहिए। आइटम बना रहेगा तभी परचेज होगा, जब किसी से आप परचेज किए रहेंगे तभी आप उसको पेमेंट करेंगे। अगर हमने परचेज नहीं किया है तभी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक सिंपल सा बिजनेस जो होता है उसमें पहले परचेज किया जाता है, फिर सेल किया जाता है, फिर पैसा रिसिप्ट करते हैं और फिर पेमेंट करते हैं। तो परचेज कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, पैसे को रिसिप्ट कैसे करते हैं, पैसे को पेमेंट कैसे करते हैं, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो हमने इस वीडियो में आपको बताया कि टैली प्राइम के अंदर किस प्रकार से आइटम को बनाया जाता है और किस प्रकार से लेजर को बनाया जाता है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।